हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन हिंदी लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि किसी भी मटेरियल को हम इलास्टिक लिमिट के अंदर यदि स्ट्रेस्ड करते हैं, उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और उन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम पड़ा हुक्स लॉ। अब डिटेल में देखते हैं कि ये हुक्स लॉ क्या है। इलास्टिक लिमिट, आपने अक्सर स्प्रिंग देखा होगा, उसको जब आप खींचते हैं तो वो बड़ा होता है, छोड़ने पर वो वापस अपने जगह पे पहुंच जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल है ये स्प्रिंग। पर यदि उसी स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींच दें, उसके बाद छोड़ के देखिए, वो वापस अपने जगह पे नहीं पहुंचता है, तो हम बोलते हैं कि यह इसने अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी, अब ये इलास्टिक नहीं रहा, अब उसको खींच के छोड़ेंगे तो वो वापस अपने जगह पे नहीं जाएगी। तो वो मैक्सिमम फोर्स जहाँ पर, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको हटाने के बाद वो अपना अपने जगह पे वापस पहुंच जाती है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, वो फिर वापस अपने जगह पे नहीं पहुंचने के लायक रहेगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिस पर वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक बना रहे, वो अपने इलास्टिसिटी को लूज ना करे, उस स्ट्रेस को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यदि किसी मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस्ड किया जाए, उस पर स्ट्रेस लगाया जाए, तो उस केस में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। उसको हम यदि ग्राफ में दिखाएं तो मान के चलिए ये स्ट्रेन है और ये ऊपर स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा, और ये एप्सिलॉन। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो पता नहीं, मतलब हुक ने नहीं बताया कि उससे आगे क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। पर इलास्टिक लिमिट तक जब हम लोड लगाएंगे, उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, तो स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम न्यूमेरिकली इस तरह लिख सकते हैं, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यदि इसको सिम्बॉल्स में दिखाएंगे तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से दिखाते हैं स्ट्रेन को। अब मैथमेटिक्स में कभी भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम इक्वल लगाते हैं और बदले में एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर हम कांस्टेंट को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पर ई जो है वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी को हम लोग सिंपली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। कभी कभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, कहीं कहीं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है जो कि इक्वल होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ये किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट ई होगा, दूसरे मटेरियल के लिए कुछ और ई होगा, लेकिन उस मटेरियल में हमेशा सेम ई ही रहेगा। ई एक कांस्टेंट है, वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। वो इक्वल होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के, और ये हुक्स लॉ से आया है। अब यदि हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो देखिए इसका यूनिट क्या होगा। ऊपर क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो इसका यूनिट भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोले, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोले, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, पास्कल वगैरह वगैरह। तो जो भी यूनिट स्ट्रेस का होगा, सेम यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इतनी सी था, इतना सा था हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ जो है टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए इक्वली होल्ड करता है, दोनों में वो सही है। यदि हम खींचेंगे, खींच के स्ट्रेस लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, तो भी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे, तो भी स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन होगा। तो इतना सा था हुक्स लॉ, आशा करते हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसके कारण उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है,
मान लेते हैं उसका ओरिजिनल लेंथ एल था और उसमें जब हम स्ट्रेस लगाए तो उसका डिफॉर्मेशन डेल हो गया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं कि इस बार में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे कि डेल का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया पी डिवाइडेड बाय ए। मान लेते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है एरिया, ठीक है। तो लोड जो स्ट्रेस जो हो जाएगा वो फोर्स बाय एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन जो होता है वो डेल एल बाय एल होता है, मतलब डेल बाय एल डिफॉर्मेशन और डिवाइडेड बाय एल। इसको हम यदि डेल एल बोल देते हैं, ठीक है, डेल एल बोलते हैं, डेल एल बाय एल। ये हो गया हमारा चेंज इन लेंथ और ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन। स्ट्रेस का यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पी बाय ए अपॉन डेल एल बाय एल, मतलब पी इंटू एल ऊपर जाएगा और बट्टे ए इंटू डेल एल। अब ये ई इक्वल टू पी एल ए बाय डेल एल आया, तो यहाँ से मतलब इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, पी एल बाय ए इंटू डेल एल। तो यहाँ से हम डेल एल को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एल इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाय ए ई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि सिंपल है। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है ये आपको पता ही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो बस स्ट्रेस को पी बाय ए लिख दिए और स्ट्रेन को डेल एल बाय एल लिख दिए और वहाँ से हम डेल एल का वैल्यू निकाल लिए। सिंपल सा एक डेरिवेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपको हमेशा याद भी रह सकता है, पी एल बाय ए ई, जिसको याद रखना ही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सिर्फ इसको यूज करते हुए आपका पहला चैप्टर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाने वाला है। आगे का दो तीन लेक्चर जो है सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे, पी एल बाय ए ई। तो इसको याद कर लीजिए, इस पर सैकड़ों न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर। इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 100 मेगा पास्कल, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर। देखिए एक वेट है जो कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है 10 किलो न्यूटन, इसको एक स्टील वायर की मदद से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका डायमीटर कम से कम कितना हो कि स्ट्रेस जो है वो 100 मेगा पास्कल को एक्सीड ना करे, उससे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। आप जानते हैं कि एरिया जितना बढ़ाते हैं स्ट्रेस कम होता है, तो कम से कम कितना एरिया हो इसका कि स्ट्रेस जो है वो 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा ना पहुँचे। तो एरिया निकालेंगे तो वहाँ से हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं, डायमीटर ही पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस जो दिया हुआ है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 मेगा पास्कल। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग न्यूटन और एमएम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 मेगा का मतलब 10^6 और पास्कल को का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यदि पर मीटर स्क्वायर को यदि हम एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10^6 एमएम स्क्वायर हो जाता है। तो 100 और ये 10^6 ऊपर और ये इसका एमएम में करेंगे तो ये 10^6 कट जाएगा, तो बच जाएगा 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, फोर्स कितना लगेगा। देखिए स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ, इसका वेट चूंकि 10 किलो न्यूटन है तो इस पर स्ट्रेस भी 10 किलो न्यूटन का, फोर्स भी 10 किलो न्यूटन का ही लगेगा। तो फोर्स जो हो गया वो हमारा पी 10 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को यदि न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 उस पर 300, किलो का मतलब 1000, तो इतना न्यूटन, ठीक है। अब यूनिट एक जैसा हो गया, इसका भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और इसका न्यूटन। अब हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी बाय ए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाय सिग्मा। ए इस तरफ जाएगा तो पी बाय सिग्मा। अब पी कितना दिया हुआ है, 10,000 और बट्टे सिग्मा कितना दिया हुआ है, 100, तो ये 2 कटेगा तो बच जाएगा 100। यूनिट क्या होगा, एमएम स्क्वायर, क्योंकि ये एक
ऊपर में क्या है न्यूटन और नीचे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो न्यूटन न्यूटन कटेगा तो ये एरिया हो जाएगा 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यदि एरिया आपके पास आ गया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायमीटर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई और इसका अंडर रूट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ए के जगह पे 100 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 बट्टे पाई। इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 11.28 mm, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कम से कम इतना डायमीटर होना चाहिए, तो कहने का मतलब कम से कम इतना डायमीटर होना चाहिए ताकि इसका स्ट्रेस जो है वो 100 मेगापास्कल को क्रॉस ना करे। जब डायमीटर इतना होगा तो स्ट्रेस कितना होगा 100 मेगापास्कल। तो इसको डायमीटर को हम लगभग बोल सकते हैं कि चलो 12 mm ले लो, तो बोल सकते हैं कि लगभग 12 mm डायमीटर रहेगा तो स्ट्रेस जो है वो 100 से कम ही होगा, 100 को पार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन, एक सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ होलो सिलेंडर ऑफ आउटसाइड डायमीटर 60 mm एंड इनसाइड डायमीटर 40 mm इज 3 meter लॉन्ग, फाइंड द स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 newton इज अप्लाइड ऑन इट, इक्वल्स टू 100 GPa। देखिए एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर कैसा होता है, अंदर से खोखला कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का एक सिलेंडर होगा जो कि अंदर से खोखला होगा और ये आउटसाइड डायमीटर इतना होगा और इनसाइड डायमीटर इतना होगा। ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है 3 meter, तो मतलब क्या हुआ L इक्वल्स टू 3 meter, डायमीटर mm में दिया हुआ है तो इसको भी mm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो mm में कितना हो जाएगा 3000 mm। ठीक है, अब और क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 50 kilonewton, kilonewton को kilonewton में ही रहने देते हैं, गीगा पास्कल को kilonewton में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए E कितना दिया हुआ है 100 GPa, गीगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 100 kilonewton पर एमएम स्क्वायर। ये कैसे होता है ये हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये भी किलो न्यूटन एमएम सब एमएम में आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया एरिया, तो एरिया के लिए हमको आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है 60 mm और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, तो एरिया क्या होता है पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये सब आप लोग को पता है पहले से, तो पाई बाय 4 इंटू 60 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर पर, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 675 pi और यूनिट क्या होगा mm स्क्वायर में। ठीक है, तो देखिए L आ गया, एरिया आ गया, P आ गया, E आ गया, अब पूछ क्या क्या रहा है, अब पूछ रहा है स्ट्रेस निकालो और डिफॉर्मेशन निकालो, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए, मतलब पी दिया हुआ है हमारे पास कितना 50 किलो न्यूटन में है और एरिया कितना दिया हुआ है 675 pi, तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास, इसको 50 को इतना से डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आएगा 0.023578, ये किस चीज़ में आ जाएगा किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो ये बहुत छोटा आ रहा है तो इसलिए इसको किलो न्यूटन को हटा के हम न्यूटन में कर देते हैं, जब न्यूटन में करेंगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 23.578 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्ट्रेस, अब पूछ रहा है डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो डिफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है डेल एल इक्वल टू पी एल बाय ए ई। ठीक है, पी दिया हुआ है 50 kilonewton, एल दिया हुआ है 3000, एरिया दिया हुआ है 675 pi और ई दिया हुआ है 100, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका
0.707 mm, तो इतना इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा और इतना इसका स्ट्रेस हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बस कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, पी एल बाई ए, ये याद रखना है, और स्ट्रेस तो पी बाई ए आपको पता ही है, और इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो समय से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।